2001 अक्टूबर का महीना, करीब दो महीने पहले आमिर हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना कर रहे थे, उससे भी करीब एक साल पहले वो देखो 2000 जमाना आ गया कहकर नई सदी का स्वागत भी कर चुके थे। आमिर की इन दोनों कोशिशों में से एक नाकामयाब रही और एक पार्शली कामयाब भी रही। मकसद था युवाओं को सिनेमा घरों तक लेकर आने का, ऐसी फिल्म देने का जैसे हिंदुस्तान का यूथ अपनी फिल्म कह सके, उसके गाने उनके कॉलेज की यादें बन जाए। दिल चाहता है इस पैमाने पर खरी उतरी थी, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं भी थी। ट्रेड एनालिस्ट कहते हैं कि दिल चाहता है ने ज्यादातर अर्बन सेक्टर में धमाल मचाया, शहरी युवाओं को लुभाया, वो वर्ग जिसके आंगन में गाड़ी खड़ी रहती हो और जो कभी भी मुंह उठाकर गोवा चल देना अफोर्ड कर पाते हो। गांव देहात के युवाओं ने फिल्म को पसंद तो किया, लेकिन वहां उसका मजबूत इम्पैक्ट नहीं रह पाया। फिर आई वो फिल्म जिसकी धुन युवाओं के बीच ऐसी बनी, ऐसी वजी कि वो कल्ट स्टेटस की गद्दी पर जा बैठी। जनता ने फिल्म के हीरो हीरोइन पर रिलेशनशिप गोल्स वाला टैग लगा दिया। इंडियन सिनेमा की ज्यादातर कल्ट फैन फॉलोइंग वाली फिल्मों जैसा ही हश्र हुआ था उसका बॉक्स ऑफिस पर। बिल्कुल नहीं चली, लेकिन फिर समय के साथ जनता पछताती कि यार ये हॉल में क्यों नहीं देखी। 19 अक्टूबर 2001 की तारीख, वो तारीख जब ये फिल्म सिनेमाघरों पर लग गई। हीरो कोई साउथ से आया लड़का था जिसके नाम के आगे कोई खान या कपूर नहीं था। पहले इंजीनियरिंग की, फिर कुछ हिंदी टीवी शोज किए, उसके बाद तमिल सिनेमा में चला गया और अब अपनी पहली हिंदी फिल्म करने जा रहा था। हीरोइन भी नहीं थी, एक्टिंग से जुड़ा पिछड़ा कोई खास काम नहीं था देखने के लिए। रही बात डायरेक्टर की, एक और मैकेनिकल इंजीनियर फिल्मों में नहीं आना चाहते थे, लेकिन फिर कुछ होते होते हो गया ऐसा मान लीजिए। तमिल सिनेमा में एक फिल्म पुरानी थी। कुल मिलाकर फिल्म के पास सेल करने के लिए कोई हाई पॉइंट नहीं था। हीरो हीरोइन डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर सब नए, बस एक प्रोड्यूसर ही हिंदी सिनेमा में एक अनुभवी खिलाड़ी था, वासु भागनानी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे, जो इससे पहले कूली नंबर वन, हीरो नंबर वन और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्मों पर अपना पैसा लगा चुके थे। हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं सोनाली, आप देखना शुरू कर चुके हो मैटनी शो। आज के हमारे सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से, जहां हम बात करते हैं फिल्मों और फिल्म वालों से जुड़े किस्सों की। आज के एपिसोड में बात करेंगे उस फिल्म की जो 19 अक्टूबर 2001 की तारीख को रिलीज हुई थी, जिसे आप एक लाइन से पहचान जाएंगे, बस अब एक ही तमन्ना है, रहना है तेरे दिल में। RHTDM इस महीने अपने 20 साल पूरे करने जा रही है। इस मौके पर फिल्म और उसकी मेकिंग से जुड़े कुछ सुने अनसुने कम सुने किस्सों से आपको रूबरू करवाएंगे। एपिसोड शुरू करने से पहले बता दें कि आपके लिए तमाम जानकारी खोज लाए हैं हमारे साथी यमन, और ये वो आखिरी मूवी थी जो मैंने ढंग से VCR पर देखी थी। गौतम वासुदेव मेनन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें फिल्मों का चस्का लग गया। इंजीनियरिंग पूरी की, घर वालों को बताया कि इंजीनियरिंग में तो आगे कुछ भी नहीं रखा, न करना चाहते हैं, फिल्मों में हाथ आजमा कर देखना है। घर वालों ने बेटे को सपोर्ट भी किया और भेज दिया राजीव मेनन के पास। गौतम ने राजीव को एक फिल्म पर असिस्ट किया। असिस्टिंग के दिनों में वो अपनी एक कहानी पर भी काम कर रहे थे। राजीव वाली फिल्म पूरी हुई, जिसके बाद गौतम को लगा कि वो अपनी फिल्म बनाने के लिए अब तैयार हैं। उनकी लिखी कहानी एक कॉलेज के लड़के की लव स्टोरी थी, जिसे उन्होंने अपने इंजीनियरिंग वाले दिनों के अनुभव पर आधारित किया था। बस अब वो लड़का चाहिए था जो उनके हीरो के जूतों में फिट बैठ पाए। वो लड़का भी मिला, एक और मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में, आर माधवन। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद फुल टाइम एक्टर बन चुके थे। बनेगी अपनी बात और घर जमाई जैसी टीवी शोज में काम किया, जिसके बाद साउथ का रुख कर लिया था अपनी फिल्मी इनिंग्स के लिए। मणिरत्नम के डायरेक्शन में बनी अलय पायुदे उनकी पहली कामयाब फिल्म बनी थी, जिसने उनकी विजिबिलिटी कई गुना बढ़ा दी। अलय पायुदे एक रोमांटिक फिल्म थी जिसने माधवन की रोमांटिक हीरो वाली इमेज को मजबूत कर दिया। गौतम भी कन्विंस थे कि माधवन से बेहतर कोई नहीं होगा उनकी फिल्म के लिए। अपनी कहानी लेकर वो माधवन के पास पहुंचे। माधवन ने अपने मेंटर मणिरत्नम से फिल्म पर सलाह मांगी कि उन्हें ये करनी चाहिए या नहीं। मणिरत्नम फिल्म की कहानी को लेकर इतना संतुष्ट नहीं थे, इसलिए माधवन को इसे स्किप करने की एडवाइस दे दी। लेकिन माधवन मन ही मन गौतम की ये फिल्म करना तो चाहते थे, और फिर उन्होंने मणिरत्नम की ही सलाह याद की कि चाहे चार फिल्में दूसरों के लिए करो, लेकिन उसके बाद एक फिल्म अपने लिए करो। माधवन ये फिल्म अपने लिए करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गौतम को हाँ कर दिया। माधवन अलय पायुदी की सक्सेस एंजॉय कर रहे थे, किसी भी प्रोड्यूसर को उन पर पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नए डायरेक्टर का नाम आने पर हर कोई हिचकिचात हो रहा था। यही वजह थी कि माधवन और गौतम कई प्रोड्यूसर्स के पास गए थे
उन्हें मनाने की कोशिशें की, लेकिन कोई भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ जुड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर पहुंचे डॉक्टर मुरली के पास, जो इससे पहले ऐश्वर्या की फिल्म जीन्स प्रोड्यूस कर चुके थे। उन्हें कहानी बताई जो उन्हें पसंद भी आई। फिर उन्होंने पूछा कि डायरेक्टर कौन है, तो माधवन ने कहा कि नया है। म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, वो भी नया है। आर्ट डायरेक्टर कौन है, वो भी नया है। इतना सुनकर मुरली ने सर पकड़ लिया कि मेरा नुकसान करवा कर ही मानोगे, लेकिन माधवन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आपका पैसा नहीं डूबने वाला, कहानी में दम है और फिल्म शॉर्ट शॉर्ट हिट तो होगी। फिल्म बनकर रिलीज हुई मिनरले के टाइटल से। माधवन की बात सही साबित हुई, मिनरले एक बॉक्स ऑफिस रेज साबित हुई। माधवन को अब जनता अपना स्टार मान चुकी थी। किसी भी रोमांटिक फिल्म में म्यूजिक की अहमियत नहीं नकारी जा सकती, यहां भी ऐसा ही हुआ। हैरिस जयराज के म्यूजिक ने नौजवान लड़के लड़कियों को दीवाना कर दिया। बिना ब्लूटूथ और इंटरनेट के एरा में मिनरले के गाने धड़ल्ले से शेयर होने लगे। गौतम की पहली फिल्म ने उन्हें एस्टैब्लिश कर दिया था। मिनरले के बाद वो साउथ में रहकर ही काम करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनकी पहली फिल्म की सक्सेस नॉर्थ तक पहुंच चुकी थी। हिंदी फिल्मों के प्रोड्यूसर वासु भगनानी मिनरले का हिंदी रीमेक बनाने में इंटरेस्टेड थे। गौतम को बुलाया और किसी भी तरह मना लिया कि वो ही हिंदी रीमेक को डायरेक्ट करें। गौतम साउथ सिनेमा में ही कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन फिर रीमेक पर हामी भर दी। वासु जानते थे कि अगर हिंदी रीमेक बनाना है तो हिंदी ऑडियंस के चिरपरिचित किसी चेहरे को ही साइन करना होगा, यानी किसी बड़े स्टार को। चूंकि मिनरले कॉलेज लाइफ की स्टोरी थी, इसलिए वासु किसी फ्रेश फेस को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। ओरिजिनल फिल्म में माधवन का काम उन्हें इतना पसंद आया कि बढ़ गए कि रीमेक में तो माधवन ही लीड करेंगे। हालांकि वो खुद बताते हैं कि उनके इस फैसले से इंडस्ट्री के कई लोग खुश नहीं थे। न्यूज बाहर आने के बाद उनके कुछ स्वघोषित शुभचिंतकों का फोन आने लगा, जो कहते कि तुमने क्या कर डाला, ये मद्रासी लड़का तुम्हारी पिक्चर को डुबो देगा, ऊपर से ईटीवी भी कर चुका है, जनता इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। लेकिन वासु ने ऐसे तमाम फोन कॉल्स को तूल नहीं दिया। उन्हें यकीन था कि माधवन को लेकर उनका लिया गया फैसला सही साबित होगा, जो कि हुआ भी और नहीं भी। रीमेक को रहना है तेरे दिल में के नाम से बनाया गया। गौतम नहीं चाहते थे कि उनकी हिंदी फिल्म ओरिजिनल वाली की शॉट बाय शॉट कॉपी लगे, इसलिए उन्होंने कहानी के लिहाज से कुछ बदलाव भी किए। फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, जैसा अंदाज अपना अपना के साथ हुआ। अब कुछ वैसा ही हाल हुआ RHTDM का भी। दो ऐसी फिल्में जो अपने रिलीज के वक्त बिल्कुल नहीं चली, लेकिन आगे जाकर कल्ट फॉलोइंग बना ली। माधवन को लेकर वासु का फैसला उस समय भले ही किसी को गलत लगा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सही साबित हुआ। समय के साथ फिल्म से माधवन के कैरेक्टर मैडी ने अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग भी डेवलप की। जिस वक्त नेशनल क्रश ये वर्ड आम नहीं था, उस वक्त मैडी नेशनल क्रश बन बैठे थे। वो RHTDM ही थी जिसकी वजह से माधवन के फैंस उन्हें आज तक मैडी कहकर पुकारते हैं। फिल्म से उनका किरदार को इतना प्यार मिला, वो इतना पॉपुलर हुआ, इसका अंदाजा लगाने के लिए एक किस्सा साझा करते हैं। RHTDM को रिलीज हुए करीब 5 साल हो चुके थे। उस दौरान माधवन अपनी माँ के साथ इंग्लैंड गए हुए थे। माँ को एक रेस्टोरेंट में डिनर पर लेकर गए। वहाँ किचन में काम करने वाला स्टाफ उन्हें पहचान गया। दरअसल वो बांग्लादेशी रसोइये थे जो इंग्लैंड में काम कर रहे थे। वो माधवन के पास आए, कहने लगे कि मैडी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। माधवन की माँ को देख कर खुशी हुई कि उनके बेटे को लोग विदेशों तक पहचान रहे हैं। इतना कहने के बाद किचन स्टाफ ने अपने बर्तन बजाने शुरू कर दिए और एक साथ गाने लगे, सच कह रहा है दीवाना। ये था मैडी का क्रेज। RHTDM की सबसे यादगार बात है उसका म्यूजिक। हैरिस जयराज ने जादू क्रिएट किया था, जिसके निशान आज भी उतने ही ताजा हैं। फिल्म को कल्ट स्टेटस दिलवाने में उसके म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल था। वो सीन याद कीजिए जहां मैडी पहली बार रीना को देखता है PCO बॉक्स से, जब वो बाहर बारिश में बच्चों के साथ खेल रही होती है। मैं दिल्ली बोल रहा हूँ मैडी से, वाला सीन याद है? वहां मैडी को उससे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। उस सीन का डिस्क्रिप्शन बिना म्यूजिक के अधूरा है। हैरिस जयराज का दिल पिघला देने वाला म्यूजिक। फिल्म के गानों को लव एंथम बनाने में भी हैरिस का ही हाथ था, जिन्हें उस वक्त काफी लोग AR रहमान समझते थे। ऐसा काम उन्होंने किया था RHTDM पर। फिल्म के कमाल गानों में से एक था जरा जरा बहकता है, बॉम्बे जयश्री के वोकल्स और हैरिस के म्यूजिक से सजा हुआ गाना। ये गाना दिया मिर्जा की कैरेक्टर रीना गाती है और उसी पर फिल्माया गया है। काफी लोगों ने उस समय रियलाइज नहीं किया, लेकिन इस गाने के जरिए रीना अपनी सेंसुअलिटी को एक्सप्रेस करना चाह रही थी। दिया मानती हैं कि उस समय हिंदी सिनेमा में लीड फीमेल कैरेक्टर के लिए अपनी मनोदशा इस तरह बयां करना आम नहीं था, इसलिए जब उन्हें पहली बार गाने के लिरिक्स बताए गए थे तो वो घिना गई थी
कि ये कैसा अजीब गाना है। जरा जरा गाने को बड़ी आसानी से भद्दे और वल्गर गाने में तब्दील किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये गौतम का विजन ही था जो उन्होंने गाने के असली मैसेजिंग को ऑफ ट्रैक बिल्कुल नहीं होने दिया। इसीलिए आज भी गाने देखने पर खूबसूरत लगता है, चीप नहीं लगता। फिल्म में सैफ अली खान सेकंड लीड में थे, उनका अच्छा खासा रोल था, लेकिन रिलीज के वक्त उन्हें प्रमोशंस में जगह नहीं मिली। आरएच स्टेडियम को माधवन और दिया मिर्जा की फिल्म बताकर ही बेचा गया था। माधवन और दिया की तुलना में सैफ उस समय ज्यादा बड़ा चेहरा थे, फिर भी उन्हें फिल्म से एसोसिएट ही नहीं किया गया। मेकर्स ने ऐसा करने का तर्क दिया कि वह सैफ को सरप्राइज पैकेज की तरह रखना चाहते थे, ताकि ऑडियंस ये सोचकर आए कि फिल्म में सैफ का सिर्फ कैमियो है और फिर फिल्म देखकर चौंक जाए। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा करने की वजह कुछ और ही थी। 90s ढल चुका था और उसी के साथ सैफ का स्टारडम भी फीका पड़ने लगा था, इसलिए मेकर्स ने उन्हें फिल्म का सेलिंग पॉइंट बनाना सही नहीं समझा। जाने से पहले फिल्म से जुड़ा एक और ट्रिविया आपसे शेयर करते हैं। माधवन एक तमिल ब्राह्मण है, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वो शुद्ध शाकाहारी है। RHTDM के एक सीन में उनके किरदार मैडी को चिकन खाते हुए दिखाया गया। दरअसल यहाँ माधवन के साथ पनीर को चिकन समझ के खा जा वाला मामला हो गया था। 2001 में रिलीज हुई RHTDM के फैंस लगातार बढ़ रहे हैं। 90s में बढ़ रहे लड़के लड़कियों में ही नहीं, बल्कि फिल्म ने जेन ज़ी में भी अपना मजबूत फैन बेस बना लिया। आज भी माधवन और दिया को लगातार मैसेजेस आते हैं कि मैंने फिल्म इतनी बार देखी, मेरी ये मेमोरी जुड़ी हुई है। आपकी रहना है तेरे दिल में के साथ क्या मेमोरी जुड़ी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आज के एपिसोड में आपके लिए इतना ही। मुलाकात होगी मैटनी शो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। अगर ये फिल्म आपको भी पसंद है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका फेवरेट सीन फ्रॉम रहना है तेरे दिल में।